लेकिन ये भी अपनी हुक्मनामे में ये लिख दिया है कि कोई भी अदारा या कोई भी सूबे की दूसरे सूबे की पुलिस जो है इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से इनको गिरफ्तार नहीं करेगी। दोनों सरिया रफीजी साहब को खानदाना बाजार साहब अगली तारीख को दो हफ्ते के बाद 28 अगस्त दो हफ्ते के बाद। अब ये जो लास्ट ऑर्डर था ये था क्या जिसको चैलेंज किया गया था? वो ये तीन एमपीओ का जो ऑर्डर था, दोनों के तीन एमपीओ के ऑर्डर थे, डीसी इस्लामाबाद ने किए। डीसी इस्लामाबाद ने पहले सरिया रफीजी से, डीसी इस्लामाबाद ने सरिया रफीजी के खिलाफ पहले तीन एमपीओ इशू की थी जिसमें ये गिरफ्तार हुआ था। वो भी मैंने ही चैलेंज की थी और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त के बाद उस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए करार दिया था कि वो बदनीयती पर मबनी था और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था। इसके बाद सरियार के खिलाफ कई और तीन एमपीओज हुए पिंडी में, जेलम में, कुआट में, और बिलाखिर उसी डीसी ने इस्लामाबाद में फिर उन्हीं ग्राउंड पे दोबारा तीन एमपीओ जो हैं इसके खिलाफ जारी कर दिया। अब हाई कोर्ट ने दोनों तीन एमपीओ के ऑर्डर सामने रखे, पड़े और बताए कि इनमें फ़र्क क्या है। जब एक दफ़ा हाई कोर्ट ने इसको कलदम किया है तो आपने क्यों कर उन्हीं ग्राउंड पे दोबारा तीन एमपीओ, और इसी को जो है अदालत प्रोसेस ऑफ लॉ में ऑब्स्ट्रक्शन और अदालती हुक्म की हुक्म अदूली करार देते हुए कोर्ट ने इनको तीन अदालत करना। अच्छा, अब इस हुक्म का फ़ायदा जो है जो दूसरे सियासतदान या कोई और बंदा एमपीओ के तहत गिरफ्तार होगा तो उस पर भी उसको भी हो सकता है? देखिए, आज अदालत ने इस्लामाबाद में साबिका तीन महीनों में जितने भी तीन एमपीओ के ऑर्डर जारी हुए सब तलब किए और सबके हवाले से रिकॉर्ड तलब किया है कि सबके ग्राउंड्स बताएं, क्योंकि ये बुनियादी हकूक बुनियादी इंसानी हकूक है। आर्टिकल 10 के तहत किसी भी शख्स को आर्बिट्रेरीली आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया उसके खिलाफ FIR है और FIR में उसकी बेल हो गई तो फिर उसी दोबारा उस जुर्म की सजा तीन एमपीओ में देना, ये डबल जूपर्डी भी है, आर्टिकल 13 की भी मुनाफी है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले से इस पर जजमेंट दी हुई है कि FIR के इल्जाम पे आप तीन एमपीओ में दोबारा बनने को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, अब DC जो है डिप्टी कमिश्नर, उनको क्या करना चाहिए आइंदा अगर उनको कहीं से रिपोर्ट आती है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर का ये इख्तियार जो है बेसिकली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, ये डिप्टी कमिश्नर का अपना इख्तियार भी नहीं है। उसका काम है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मटीरियल सबमिट करे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुनासिब समझती है जो कि चीफ कमिश्नर है कि वो तीन एमपीओ के ऑर्डर जारी करें। इन्होंने खुद एरोगेट किए हुए 21 लाख के तहत आज अदालत को बता नहीं सके, तो लिहाजा एक तो ये विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरी बात यह है कि अगर डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार भी है तो वो तब तीन एमपीओ लागू कर सकता है जब कोई क्रेडिबल एविडेंस हो। क्रेडिबल का मतलब ये है कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस हो। आज सरियार को इल्ज़ाम लगाया था कि उसने इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे अटैक के लिए लोगों को उकसा रहा था। अब फाजिल अदालत जज साहब ने भी पूछा कि जी वो किस तरह उकसा रहा था, तो जवाब में उन्होंने कहा जी कि उसका वकील उनके साथ मिलता था। अब वकील तो मैं था उसके साथ, मैंने अदालत में कहा कि मैं बयान अल्फी देने को तैयार हूँ कि मैं तो 1.5 माह से उसके पास जेल गया ही नहीं हूँ। तो लिहाजा इस तरीके से फिर अदालत ने कहा ये भी इतफाक है, जिस दिन DC रावलपिंडी अपनी विड्रा कर रहा है उसी दिन आपके पास IB की भी रिपोर्ट आ जाती है, स्पेशल ब्रांच की भी आ जाती है और उसी दिन अटैक हो जाता है। ये तमाम अहकाम अगर आप देखें सातों के सात एमपीओज में एक एमपीओ जिस दिन का लदम होता है दूसरा उसी दिन नाफिजुल अमल हो जाता है। तो लिहाजा अदालत ये जज साहबान जो हैं 30-40 साल इनका एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं समझते हैं या उनको आप इस तरीके से मामू बनाना चाहते हैं कि जी ये जज साहबान जो हैं आप हुड विंग कर रहे हैं कोर्ट को, प्रोसेस ऑफ लॉ को। लिहाजा आज उन्होंने लिखा है जी कि हम नहीं समझ रहे हैं, ये सारे इतफाक़ात हैं, साथ को पिंडी की जो है तीन एमपीओ एक्सपायर विड्रा होती है, साथ को आप लागू करते हैं, जेलम वाली 12 जुलाई को जो है एक्सपायर होती हैं, आप 12 को जो है पिंडी की ये कर देते हैं। तो लिहाजा DC कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास अब जेल में एक बंदा 94 दिनों से नजर बांधे और आप उसको कहते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चढ़ाई के लिए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आजकल के दौर में इस जबर के साए में किसकी जरूरत हो सकती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़े किसी जो है अवारा गर्द पे भी हाथ उठाने की किसी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तोहीन अदालत के माज पे क्या हुआ? तोहीन अदालत जो है ये अदालत का बड़ा ही एक इंतहाई मुनासिब इकदाम है। जब से ये 3 माह से ये काम शुरू हुआ है
ये पहली दफ़ा है कि अदालत ने रिव्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ पे और रिव्यूज ऑफ दी ऑफिशियल पोजीशन पे और रिव्यूज ऑफ दी अटेम्प्ट टू फ्रस्ट्रेट द जुडिशियल प्रोसेस पे कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है। और डीसी ने अब अपने आप को जो है उनके पास मुनासिब ये होता कि आज ही अदालत से माफ़ी मांगते और उनको कहते कि जी ज्यादती हुई या गलती हुई। तो अगर कोई आदमी अपनी जो है अपनी गलती की माफ़ी तलाफी मांगता है, हम भी कहते जी कि बाय लॉर्ड जो है अगर माफ़ करना चाहें तो हमें उज़र नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आप ज़ुल्म भी करते हैं, आप गलत आर्डर करते हैं, नाजायज़ आर्डर करते हैं, लोगों को जेल में डलवाते हो, बच्चों से दूर रखते हो, और फिर अदालत जब आपको कहती है कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं तो आप अपने एक नाजायज़ हुक्म को जो है डिफेंड करते हैं डटाई के साथ और झूठ बोलते हैं। तो लिहाजा ये किस किस को जारी हुआ है तो इन नोटिस? सभी अदालत जो है वो आज तो एसएसपी ऑपरेशन और डीसी इस्लामाबाद को जारी हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जिस नीयत की कार्रवाई है आज उन्होंने स्टेट कौंसिल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। और इस कंटेम्प्ट के मैटर में मैं खुद अपना ज़ाती बयान अर्जी भी जमा करूँगा कि मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ इनके पास, ये कम अज़ कम एक माह से लेकर डेढ़ माह है। और जेल का मैंने रिक्वेस्ट किए कि चूँकि तीन एमपीओं का एक कानून है कि तीन एमपीओं में जो बंदा नज़र बंद होता है उससे कोई मिल ही नहीं सकता है। तो डीसी को ये पता ही नहीं था कि ये कानून है, और अगर कोई मिल सकता है तो तब मिल सकता है जब डीसी उसको मिलने की इजाज़त दे। अगर हजरत से किसी ने इजाज़त मांगी है और उसने इजाज़त दी है तो फिर तो वो कह सकता था ना, उससे किसी ने इजाज़त मांगी है कि वो मेरा क्लाइंट है, तमाम ये एमपीओ मैंने फाइट किए, लिहाजा आई नो कि उसके पास जेल कोई गेल नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।